और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाओ, दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच बोले तो बोल चुके हैं, पहले देश उनको भुगत रहा है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके अनुसार। आप जो बीच बोले गए हैं वो मुझ भुगत रहा है। राजीव त्यागी बोलिए अब फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है। मिस देवगन सर, आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। आप बात आप बात करिए तो आप डिबेट के अंदर आए, गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। मिस देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करिए। डिबेट के अंदर ये धमकीबाजी देना बंद करिए। मैं नहीं सुनने वाला। मत करो, बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूँ, आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ और बता। और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगरा पिछड़े चाहते हो, तुम देश में आग लगाना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। मैंने बात कंप्लीट नहीं की। मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं। राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने, पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए रखिए। मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मन हो तो मांग भी लीजिएगा। राजीव त्यागी, मैं आपको एक मौका देता हूं, अगर आप इन शब्दों पर खेद जताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। बिल्कुल खेद नहीं जताना चाहता, मैं अपनी बात पे कायम हूं। नहीं, बिल्कुल आप अपनी बात पे कायम हूं।